हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस ट्वेल्थ इंस्टीट्यूट में। आज जो हम लोग क्लास करने वाले हैं वो हिंदी का क्लास होने वाला है और हिंदी में हम लोग इसमें देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आप लोग जो है इस क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अभी तक आपने नहीं किया तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का जो है अर्धनारी स्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। जो अर्धनारी स्वर पाठ है इसके लेखक कौन है ये बताना है। तो क्या वो रामचंद्र शुक्ल होंगे या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी होंगे, सी हमारा रामधारी सिंह दिनकर होंगे या फिर डी मोहन राकेश। इसमें से हमें राइट आंसर बताना है कि अर्धनारी स्वर के पाठ के लेखक कौन होंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं उनकी कहानी कौन सी है। ऑप्शन है हम लोग का जूठन, बी जो हमारा है रोज, और सी जो हमारा तिरिच, और डी जो हमारा उसने कहा था। इसमें हमें राइट आंसर बताना है कि चंद्रधर शर्मा की गुलेरी की कौन सी रचना है। उनकी जो रचना है वो हो जाएगा उसने कहा था, उनकी रचना है, उनकी कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का शिक्षा शीर्षक निबंध में रचनाकार कौन है। जो शिक्षा पाठ है उसमें उसके रचनाकार कौन है। ऑप्शन हम लोग का जय कृष्णमूर्ति, बी जो हमारा है मल्लेज, सी जो हमारा है मोहन राकेश, और डी जो हमारा उदय प्रकाश। इसमें से हमें राइट आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जय कृष्णमूर्ति। क्या होगा इसका राइट आंसर? जय कृष्णमूर्ति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का निम्नलिखित में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है। जो गैंग्रीन है उसमें किसका उल्लेख है। ऑप्शन है हम लोग का उसने कहा था, बी जो हमारा रोज, और सी देख लेते हैं क्या है, सी हमारा तिरिच है, और डी जो हमारा रस्सी का टुकड़ा। इससे हमें राइट आंसर बताना है कि जो गैंग्रीन है एक गैंग्रीन रोग है, किस पाठ में इसका वर्णन किया गया है। तो गैंग्रीन का जो वर्णन किया गया है वो रोज़ में किया गया है। किस में किया गया है? रोज़ में। और रोज़ का जो पहले चैप्टर का नाम था वो गैंग्रीन ही था, इसको बाद में बदल कर रोज़ रख दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का सिपाही की माँ के रचयिता हैं। जो सिपाही की माँ के रचयिता हैं वो कौन है। ऑप्शन है हम लोग का मोहन राकेश, बी जो हमारा राजकुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा, और सी जो हमारा अज्ञे, और डी जो हमारा जगदीश चंद्र माथुर। इसमें से हमें राइट आंसर बताना है कि सिपाही की माँ के रचयिता कौन है। तो सिपाही की माँ के जो रचयिता हैं वो मोहन राकेश है। कौन है? मोहन राकेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जो खाने योग्य हो उसे क्या कहते हैं। ये अनेक शब्दों का एक शब्द है, इसमें से भी 5 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो जो खाने योग्य हो तो क्या उसे शुद्ध बोलेंगे या फिर स्वच्छ बोलेंगे या फिर खाद्य बोलेंगे या फिर ग्रहणीय बोलेंगे। तो जो खाने योग्य है तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे जो हम लोग कहेंगे खाद्य कहेंगे। क्या कहेंगे? खाद्य। खाद्य पदार्थ आप लोग जानते हैं खाने योग्य जो रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, अनल शब्द का पर्यायवाची होगा। जो अनल है वो किसका पर्यायवाची होगा। ऑप्शन है हम लोग का आग, बी जो हमारा हवा, तो नेक्स्ट हम लोग का हवा, सी जो हमारा है पानी, और डी जो हमारा सूखा। इसमें से बताना है हमें कि अनल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो अनल शब्द का जो पर्यायवाची होगा वो आग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आग, इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची होगा। तो आयुष्मान शब्द का क्या पर्यायवाची होगा? पुत्र। ऑप्शन है हम लोग का बी जो हमारा शिष्य, और सी जो हमारा चिरंजीव, और डी जो हमारा है धनवान। तो इसमें हम बताना है कि आयुष्मान का पर्यायवाची क्या होगा। तो आयुष्मान का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो चिरंजीव हो जाएगा, यानी कि चिरंजीवी वैसे होता है, यहाँ पर चिरंजीव लिखा है पर चिरंजीव ही हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का झंझट शब्द का पर्यायवाची होगा। तो झंझट का क्या पर्यायवाची होगा? ऑप्शन है हम लोग का दुख, बी जो हमारा है परेशानी, और नेक्स्ट देख लेते क्या क्या है, और सी जो हमारा है बवाल, और डी जो हमारा है आसानी। तो इसमें बताना हम लोगों को झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हम लोग का दुख, और बी परेशानी, और सी बवाल, और डी आसानी। तो झंझट का क्या हो जाएगा? तो झंझट मतलब बवाल, यानी कि इसका पर्यायवाची जो हो जाएगा बवाल हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ईजी भी है, तो आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का डरावना शब्द का पर्यायवाची होगा। तो डरावना शब्द का क्या पर्यायवाची होगा? ऑप्शन है हम लोग का भय, बी जो हमारा है लूटक,
और सी जो हमारा है क्रोध और डी जो हमारा भयानक। तो इसमें डरावना का हमें परिवाची बताया है, तो डरावना का क्या परिवाची हो जाएगा, तो वो भयानक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भयानक इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यात्रा शब्द है। यात्रा शब्द क्या है, तो यात्रा शब्द बताना है हमें। ऑप्शन है हम लोग का पुल्लिंग, बी जो हमारा है स्त्रीलिंग, सी जो हमारा है उभयलिंग और डी जो हमारा इनमें से कोई नहीं। इसमें हमें बताना है कि यात्रा शब्द क्या है, तो यात्रा शब्द जो है वो पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यात्रा पुल्लिंग हो जाएगा, नहीं पुल्लिंग नहीं स्त्रीलिंग होगा, एक्चुअली स्त्रीलिंग होगा, ठीक है स्त्रीलिंग होगा यात्रा। यहाँ पे है चमक, चमक शब्द है, तो चमक शब्द क्या है इसमें बताना है, क्या ये पुल्लिंग होगा या फिर स्त्रीलिंग होगा या फिर उभयलिंग होगा या फिर डी इनमें से कोई नहीं। जिसमें चमक का बताना है हमें, तो चमक का जो हो जाएगा वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे वाक्य होता है वो चमक रही है इस तरीके से, तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा, इसका स्त्रीलिंग राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के कितने भेद होते हैं, क्या पाँच होते हैं या फिर दो होते हैं या फिर तीन होते हैं या फिर चार होते हैं। इसमें बताना है हमें कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के जो भेद होते हैं वो तीन होते हैं। कितने होते हैं, तीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छा एक क्वेश्चन है और ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है हमेशा, तो आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पुराण शब्द का विशेषण है, तो पुराण शब्द का विशेषण क्या होगा, क्या पौराणिक होगा या फिर धार्मिक होगा। और नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है पौराणिक और डी जो हमारा पुराना है। इसमें बताना है कि पुराण शब्द का विशेषण क्या होगा, तो पुराण शब्द का जो विशेषण हो जाएगा वो पौराणिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पौराणिक, पौराणिक हो जाएगा। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का भीड़ शब्द का संज्ञा है, जो भीड़ है वो कौन सी संज्ञा है ये बताना है। तो क्या यह जातिवाचक हो जाएगा या फिर व्यक्तिवाचक हो जाएगा या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा या फिर डी समूहवाचक। तो भीड़ क्या है, तो भीड़ जो है समूहवाचक संज्ञा में आता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ग्राम, ग्राम शब्द का विशेषण है, तो ग्राम मतलब क्या होता है, गाँव होता है, तो इसमें हमें विशेषण बताना। ऑप्शन है हम लोग का गाँव, बीच में रहे ग्रामवासी, तो ग्रामवासी जो वो हो जाते हैं जो ग्राम में रहते हैं यानी कि गांव में रहते हैं उसे ग्रामवासी कहते हैं, और सी जो हमारा है ग्रामीण और डी जो हमारा है गवई। इसमें बताना है हमें राइट आंसर कि ग्राम शब्द का विशेषण क्या होगा, तो ग्राम शब्द का जो विशेषण हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रामीण, ग्रामीण इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कारक के कितने भेद हैं, जो कारक है उसके कितने भेद हैं। ऑप्शन हम लोग का पाँच, बी जो हमारा छः और सी जो हमारा तीन और डी जो हमारा आठ। इसमें बताना है कि कारक के कितने भेद हैं, तो कारक के आठ भेद हैं। कितने हैं, आठ भेद हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यह नया माल है, इस वाक्य में नया क्या है। इसमें हमें जो नया है ये, इसे हमें बताना है कि ये कौन सा शब्द है, क्या यह संज्ञा है या फिर सर्वनाम है या फिर विशेषण है या फिर क्रिया है। तो नया क्या है, तो नया यानी कि विशेषण है, ये इसकी विशेषता बता रहा है, ये नया माल है। क्या ये नया माल है, तो ये विशेषण हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो तो कहते हैं, तो मतलब जो एक शब्द है, तो जिसने गुरु से दीक्षा ली हो तो उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन हम लोग का दीक्षित, बीच में शिक्षित और डी सी सी देख लेते हैं पंडित्व और ये आचार्य। इसमें बताना है कि जो जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे दीक्षित कहते हैं, और जो जिसने गुरु से शिक्षा ली हो तो उसे शिक्षित कहते हैं, और आचार्य टीचर को यानी कि जो पढ़ा रहा है उसे गुरु को ही आचार्य कहते हैं, और पंडित हो यानी कि जिसने पूजा पाठ या फिर से पंडित के लिए लिया हो तो उसे पंडित को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, शिव का उपासक कहलाता है, तो शिव का उपासक क्या कहलाता है। ऑप्शन है हम लोग का शिवम, बी जो हमारा है शैव और सी जो हमारा है शिवित्व और डी जो हमारा है शंकर। इसमें हमें राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या होगा, तो शिव का उपासक जो है शैव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शैव इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, गोद में सोने वाला कहलाता है, जो गोद में सोता है उसे क्या कहते हैं, क्या उसे बालक कहते हैं या फिर पुत्र कहते हैं या फिर अक्साई कहते हैं, अंकसाई और डी जो हमारा अंक सत्य। तो इसमें बताना है कि गोद में सोने वाले को क्या कहते हैं, तो गोद में सोने वाले को अंकसाई कहते हैं। क्या कहते हैं, अंकसाई कहते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में हर साल आता है, तो आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है, जो गुरु के समीप रहता है तो उसे क्या कहते हैं, ये बताना है हमें। तो गुरु के समीप जो रहता है, ऑप्शन देख लेते हैं, बजबटुक
और बी जो हमारा ब्रह्मचारी, सी जो हमारा अंतेवासी और डी जो हमारा गुरुकुल। इसमें हमें राइट आंसर बताना है कि जो गुरु के समीप रहता है उसे क्या कहते हैं, जो गुरु के समीप रहता है उसे हम लोग कहते हैं अंतेवासी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतेवासी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर थोड़ा दो क्वेश्चन एक बार हो गए, यहाँ से देखते हैं। जिसका खंडन ना किया जा सके वो कहा है, तो ये अनेक शब्दों का एक शब्द है। इसमें बताना है कि जिसका खंडन ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन हम लोग का ध्वनि, बी जो हमारा है प्रकाश, सी जो हमारा है वायु और डी जो हमारा है अखंडनीय। तो जिसे खंडित ना किया जा सके उसे क्या कहेंगे, तो उसे जो कहेंगे अखंडनीय कहेंगे, अखंडनीय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, जिसका जन्म पहले हुआ हो यानी कि बड़ा भाई हुआ, तो बड़ा भाई को क्या कहते हैं। ऑप्शन हम लोग का बड़ा, सी बी जो हमारा बी है हमारा पूर्वज और सी जो हमारा अग्रज और डी जो हमारा अनुज। इसमें बताना है कि बड़े भाई को हम लोग क्या कहते हैं, तो बड़े भाई को जो हम लोग कहते हैं अग्रज कहते हैं और छोटे भाई को अनुज कहते हैं और पूर्वज हम लोग अपने पूर्वज को कहते हैं, यानी कि मतलब दादा दादी, दादा के परदादा ऐसे, तो उसको हम लोग पूर्वज कहते हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मतलब अनुज हो जाएगा, नहीं सॉरी अग्रज होगा, कि बड़े भाई को अग्रज कहते हैं, छोटे भाई को अनुज कहते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, जिसके बिना काम ना चल सके उसके लिए एक शब्द, जिसके बिना काम ना चल सके। ऑप्शन है हम लोग का परिहार्य, बी जो हमारा आवश्यक, सी जो हमारा जरूरी और डी जो हमारा अवरोधक। इसमें बताना है कि जिसके बिना काम ना चल सके उसे क्या कहते हैं, तो जिसके बिना काम ना चल सके उसे अपरिहार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिहार्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, ओ सदनीरा किस विधा में, विधा के अंतर्गत आता है, ये बताना है। जो ओ सदनीरा है यह किस विधा के अंतर्गत है, क्या यह नाटक है या फिर निबंध है या फिर आत्मकथा है या फिर कहानी है। इसमें हमें राइट आंसर बताना है कि ओ सदनीरा क्या है। तो ओ सदनीरा जो है वो निबंध है, क्या एक निबंध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है, जो जयप्रकाश ने रचा था उस पाठ का क्या नाम है। ऑप्शन हम लोग का प्रगति और समाज और बी जो हमारा है बातचीत और सी जो हमारा है संपूर्ण क्रांति और डी जो हमारा तिरिच। इसमें हमें राइट आंसर बताना है कि जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है। तो जयप्रकाश द्वारा रचित पाठ का नाम संपूर्ण क्रांति है। क्या? संपूर्ण क्रांति इसका राइट आंसर है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। तो बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। ऑप्शन है हम लोग का भारतेंदु युग, बी जो हमारा प्रेमचंद युग और सी जो हमारा द्विवेदी युग और डी जो हमारा इनमें से कोई नहीं है। इसमें हमें राइट आंसर बताना है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि हैं, यानी कि रचनाकार हैं। तो वो भारतेंदु युग के हैं। किसके हैं? भारतेंदु युग के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ऐसे ही मैं आपको इसमें युग वाले कवि की दिखाऊंगी, एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें सिर्फ कवि होगा कि वो लोग जो हैं किस युग के हैं, क्या वो आधुनिक काल के हैं, सद्गुण के हैं और भारतेंदु युग के हैं, ये सब मैं आपको दिखाऊंगी एक वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो होगा मेरा हिंदी का, उसमें मैं आपको सारे जो कवि लोग हैं उनका रचना दिखाऊंगी और उनकी कहानियाँ दिखाऊंगी, उनके नाटक दिखाऊंगी। तो आप लोग उसे भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। उससे आप देखने के बाद आप एक भी जो कवि से रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो सब आप लोग को ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, बरवे रामायण, जो बरवे रामायण है किसकी रचना है। ऑप्शन है हम लोग का नंददास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हम लोग का सूरदास और सी जो हमारा तुलसीदास और डी जो हमारा कबीरदास। इसमें बताना है कि जो बरवे रामायण है वो किसकी रचना है। तो बरवे रामायण जो रचना है वो तुलसीदास की है। किसकी है? तुलसीदास। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, बीजक, बीजक के रचयिता कौन है। इसमें बताना है बीजक के रचयिता कौन है। ऑप्शन है हम लोग का तुलसीदास, बी जो हमारा है कबीरदास, सी जो हमारा है सूरदास और डी जो हमारा जायसी। इसमें हमें राइट आंसर बताना है कि बीजक के रचयिता कौन है। तो बीजक के जो रचयिता है वो कबीरदास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कबीरदास। इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का रक्षक, रक्षक शब्द में प्रत्यय है। इसमें प्रत्यय बताना है कि रक्षक शब्द का प्रत्यय क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन है हम लोग का र, बी जो हमारा है सी, यहाँ पे जो है अक और यहाँ पे बी, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, वो उल्टा पुल्टा हो गया है ऑप्शन, रक्ष और र अ। इसमें हमें राइट आंसर बताना है कि इसका प्रत्यय क्या हो जाएगा। तो प्रत्यय जो होता है पीछे का वर्ड होता है, क्या होता है? पीछे का वर्ड होता है और उपसर्ग होता है आगे का, ठीक है। तो इसमें बताना है कि प्रत्यय क्या है। तो रक्षक का जो प्रत्यय हो जाएगा वो रक्ष हो जाए, सॉरी यहाँ पे अक है, अक हो जाएगा। क्या होगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अक, यानी कि यहाँ पे अक जैसा वर्ड आ रहा है प्रोनाउंस करने पर। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी दिया हुआ है, आप लोग
बी दिया होगा तो बी लगाइएगा, और यहाँ पे अगर ये यहाँ पे दिया होगा तो सी लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर अक हो जाएगा, आपको अक देखना है इसे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का परलोक शब्द में उपसर्ग है, परलोक में उपसर्ग बताना है। तो ये पर जो है उपसर्ग है और लोक जो है प्रत्यय है, तो इसमें हमें पर देखना है। ऑप्शन है हम लोग का पर, बी जो मेरे प और ओक और परल। इसमें हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि इसका राइट आंसर पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अज्ञान। अज्ञान शब्द में उपसर्ग है, तो अज्ञान में उपसर्ग क्या है? तो अज्ञान में अ जो है उपसर्ग है और ज्ञान जो है प्रत्यय है, तो अ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का नकलची शब्द में प्रत्यय है, तो नकलची में प्रत्यय बताना है, यानी कि लास्ट का बताना है। तो ऑप्शन है हम लोग का न, और देख लेते हैं सी जो मेरा ची और बी जो मेरा है नक और डी जो मेरा ची, तो नकल ची, तो ये तो हो गया ना नकल ची। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ची हो जाएगा। ची इसका राइट आंसर है, डी इसका राइट आंसर है, मतलब नकल ची। नेक्स्ट है हम लोग का यशोदा शब्द में संधि विच्छेद है, यशोदा में संधि विच्छेद करना है। तो यशोदा में कैसे होगा? तो वो हो जाएगा इस तरह से, यस जोड़ दा, या इसका राइट आंसर है इस तरीके से होता है यशोदा का संधि विच्छेद, यानी कि इसका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्लस होगा पर प्लस दिया हुआ नहीं है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का संसार। संसार शब्द का संधि विच्छेद है, तो संसार का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन है हम लोग का सम प्लस सार, बी जो मेरा है सन प्लस सर, और सी जो मेरा है सम प्लस रा, और डी जो मेरा है यहाँ पे संसारी पूरा लिखा हुआ है। इसमें हमें राइट आंसर बताना है कि संसार का क्या होगा। तो संसार का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा सम जोड़ सार। क्या हो जाएगा? सम जोड़ सार, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो बिंदु है इसको माँ में इस तरीके से लिख देते हैं जिससे ये पूरा हो जाता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का पवन। पवन शब्द का संधि विच्छेद, पवन जो है हर साल एग्जाम में आता है और हमेशा ही पूछा जाता है, तो इसमें हमें बताना है कि पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन है हम लोग का प जोड़ अन, बी जो हमारा पवन डायरेक्ट लिखा हुआ है, और सी जो हमारे पा जोड़ अन वन, और डी जो हमारे प प जोड़ वन, इसमें बताना है। तो पवन का क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा प जोड़ अन, प जोड़ अन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का उद्योग। उद्योग शब्द में संधि विच्छेद बताना है, उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा ये बताना हमें। ऑप्शन है हम लोग का उद जोड़ योग, बी जो हमारा उत जोग योग, और सी जो उ जोड़ दयोग, और डी जो हमारा उद जोड़ योग, इसमें हमें राइट आंसर बताना है। उद्योग का क्या होगा? तो उद्योग का जो होगा वो हो जाएगा उत जोड़ योग। क्या हो जाएगा? उत जोड़ योग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है कुहासा। कुहासा शब्द बताना है कि कुहासा शब्द क्या है। तो ऑप्शन है हम लोग का पुलिंग, बी स्त्रीलिंग होगा, और डी सी हो बहलिंग, और डी इनमें से कोई नहीं। तो कुहासा शब्द क्या है? तो कुहासा शब्द जो है पुलिंग शब्द है। क्या है? ये पुलिंग शब्द है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट शब्द है हम लोग का घी शब्द है। जो घी है वो कौन सा शब्द है? ऑप्शन है हम लोग का स्त्रीलिंग, बी जो हमारा पुलिंग, और सी जो हमारा उभयलिंग, और डी जो हमारा इनमें से कोई नहीं। तो घी जो है वो पुलिंग शब्द है। क्या है? पुलिंग शब्द है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पंचायती राज में क्या खो गया है? पंचायती राज में क्या खो गया है? ऑप्शन है हम लोग का ईमान, बी जो हमारा धर्म, सी जो हमारा पंच परमेश्वर, और डी जो हमारा है विश्व बंधु, विश्व बंधुत्व। इसमें बताना है कि पंचायती राज में क्या खो गया है। तो पंचायती राज में जो है पंच परमेश्वर खो गए हैं। तो क्या खो गए थे? तो वो पंच परमेश्वर खो गए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, ये पुनःपूर्ति से क्वेश्चन है, उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग का कमेंट था कि पुनःपूर्ति का ऑब्जेक्टिव लेकर आइए, तो मैं ज़रूर लेकर आई आऊँगी, और उसका पीडीएफ बन रहा है अभी, तो बन जाएगा तो फिर मैं उसका भी वीडियो दे दूँगी। उसमें सिर्फ थ्री चैप्टर है, तो थ्री चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करा दूँगी, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे खासे आते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का अंतो क्या हुआ, अंतोन चेकऑफ, इंग्लिश चैप्टर में भी अंतो चेकऑफ की कहानी है। तो अंतो चेकऑफ की कौन सी कहानी? ऑप्शन हम लोग का कलर्क की मौत, कलर्क की मौत, बी जो हमारा पेशगी, सी जो हमारा रस्सी का टुकड़ा, और डी जो हमारा इनमें से कोई नहीं। इसमें बताना है हम लोग का अंतो चेकऑफ का कहानी है। तो अंतो
चेखव का जो कहानी है वो जाएगा क्लर्क की मौत, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह उन्हीं की कहानी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, एक लेख एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था, ये बताना है किसको पत्र लिखा था। ऑप्शन है हम लोग का सुखदेव, बी जो मेरा है राजगुरु, सी जो मेरा है बिस्मिल, और डी जो मेरा है अशफाक खां। इसमें बताना राइट आंसर कि एक लेख एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था, तो वो सुखदेव को लिखा था। किसको लिखा था? सुखदेव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है, ये बताना है कि ये किस कहानी से संबंध है। ऑप्शन है हम लोग का रोज़, बी जो हमारा है उसने कहा था, और सी जो हमारा तिरिच, और डी जो हमारा जूठन। इसमें हमें बताना है कि जो तेरी कुड़माई हो गई वह किस किस जो कहानी है किस कहानी से लिया गया है, किस कहानी में ये बोला गया है एक्चुअली। तो ये किस कहानी में बोला गया, तो ये उसने कहा में है, उसने कहा था, उसी में जो है लाना सिंह पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, यानी कि तुम्हारी मंगनी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, ज्ञानेन्द्रपति किस प्रासंगिक पद पर थे, तो बताने के ज्ञानेन्द्रपति किस प्रासंगिक पद पर थे। ऑप्शन हम लोग का जिला अधिकारी, बी जो हमारे पुलिस अधिकारी, सी जो हमारे कारा अधीक्षक, और डी जो हमारा सेना अधिकारी। इसमें बताना है राइट आंसर कि ज्ञानेन्द्रपति क्या थे, कौन से पद पर थे। तो ज्ञानेन्द्रपति जो हैं वो कारा अधीक्षक के पद पर थे, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कृष्ण, कृष्ण शब्द का विलोम है, तो कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा। ऑप्शन हम लोग का सफ़ेद, बी जो हमारा है उजला, सी जो हमारा काला, और डी जो हमारा शुक्ल। इसमें बताना है कि कृष्ण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। तो कृष्ण शब्द का विलोम जो होता है श्वेत होता है, लेकिन श्वेत नहीं है, तो यहाँ पे शुक्ल पे हम लोग राइट आंसर लगा देंगे, इसका राइट आंसर शुक्ल हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का स्तुति, स्तुति शब्द का विलोम है, स्तुति मतलब होता है प्रशंसा करना, तो प्रशंसा करना यानी कि स्तुति, इसका विलोम बताना है। ऑप्शन हम लोग का निंदा, बी जो हमारा शिकायत, और सी जो हमारा घृणा, और द्वेष। इसमें बताना है कि स्तुति का विलोम क्या होगा, तो स्तुति का जो विलोम हो जाएगा वो निंदा करना होता है, क्या होता है, निंदा करना, इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का संध्या, संध्या शब्द का विलोम है, तो संध्या शब्द का विलोम क्या होगा ये बताना है। ऑप्शन है हम लोग का प्रातः, बी जो हमारा निशा, सी जो हमारा रात्रि, और डी जो हमारा दोपहर। इसमें राइट आंसर बताना है कि संध्या शब्द का विलोम क्या होगा, तो संध्या शब्द का विलोम जो होगा वो प्रातः हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रातः, इसका राइट आंसर है, क्योंकि संध्या का तो प्रातः ही होता है, यानी कि संध्या मतलब शाम होता है और प्रातः मतलब सुबह होता है, तो उसी को बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हम लोग का दूषित, दूषित शब्द का विलोम है, इसमें बताना है कि दूषित शब्द का विलोम क्या है, तो दूषित का विलोम जो हो जाएगा वो प्रदूषित हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का शेष, शेष शब्द का विलोम है, तो शेष का विलोम क्या हो जाएगा। ऑप्शन हम लोग का विशेष, बी जो हमारा है अशेष, और सी जो हमारा द्वेष, और डी जो हमारा अवशेष। इसमें बताना है कि शेष शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो शेष शब्द का जो विलोम हो जाएगा वो अवशेष हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अवशेष, शेष मतलब बचा हुआ और अवशेष मतलब इसका विलोम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हम लोग। नेक्स्ट क्या हम लोग का, नेक्स्ट है लीड वेटर की नज़र में जय कृष्ण मूर्ति क्या थे, जो लीड वेटर थे उनकी नज़र में जय कृष्ण मूर्ति क्या थे। ऑप्शन हम लोग का राज्य शिक्षक, बी जो हमारा देश शिक्षक, और सी जो हमारा विश्व शिक्षक, और डी जो हमारा है गांव शिक्षक। तो इसमें बताना है कि लीड वेटर की नज़र में जय कृष्ण मूर्ति क्या थे, तो वो उनकी नज़र में जो है विश्व शिक्षक थे, क्या थे, विश्व शिक्षक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था ये बताना है। ऑप्शन हम लोग का 1952, बी जो हमारा 1942, और सी जो हमारा 1930, और डी जो हमारा 1960। इसमें बताना है हमें कि उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था, उदय प्रकाश का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1952 ईस्वी में, कब हुआ था 1952 ईस्वी में हुआ था उनका जन्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का तिरिच किस प्रकार की रचना है, जो तिरिच है वह किस प्रकार की रचना है। ऑप्शन है हम लोग का आधुनिक त्रासदी, और सी जो हमारा है सुखांत की, और हंसी लगने वाली लाने वाली, और डी जो हमारा आधुनिक कॉमेडी। तो तिरिच जब आप लोग पढ़िएगा तो ये
आधुनिक त्रासदी है। क्या है? ये आधुनिक त्रासदी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे, मोहन राकेश के बचपन का नाम था, तो मोहन राकेश का बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन हम लोग का मदन मोहन मुगलानी, बी जो हमारा कृष्ण मोहन मुगलानी, सी जो हमारा राधा कृष्ण मुगलानी और डी जो हमारा रामकृष्ण मुगलानी। इसमें बताना है हमें कि मोहन राकेश का बचपन का नाम क्या था। मोहन राकेश का जो बचपन का नाम था वो था मदन मोहन मुगलानी। क्या था? मदन मोहन मुगलानी इसका राइट आंसर है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं तो आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, कवि रघुवीर सहाय के पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का क्या नाम था ये बताना है। रघुवीर सहाय के पिता, ऑप्शन है हम लोग का हरदेव सहाय, बी जो हमारा हर हर देव सहाय, हरे राम सहाय और बी जो हमारा राम प्यारे सहाय। इसमें बताना है कि रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था। तो रघुवीर सहाय के जो पिता का नाम था वो हरदेव सहाय था। क्या था? हरदेव सहाय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है जिसमें प्राकृतिक वर्णन का संबंधित है ये बताना है। ऑप्शन है हम लोग का गांव का घर, बी जो हमारा हार जीत और सी जो हमारा उषा और डी जो हमारा सांकेत। इसमें बताना है कि प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है। तो प्राकृतिक वर्णन से जो कविता संबंधित है वो उषा हो जाएगी, क्योंकि उषा में जो है प्राकृतिक वर्णन किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? जो कवियों के कवि है वो किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन है हम लोग का शमशेर बहादुर सिंह, बी जो हमारा निराला, सी जो हमारा का और ए डी जो हमारा पंत। इसमें बताना है कि कवियों के कवि को किसे कहा जाता है। तो कवियों के कवि जो जिसे कहते हैं हम लोग वो शमशेर बहादुर सिंह को कहते हैं। किसे कहते हैं? शमशेर बहादुर सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? भूषण की कविता जो है उसमें कौन सा रस पाया जाता है? ऑप्शन है हम लोग का श्रृंगार रस, बी जो हमारा भक्ति रस और सी जो हमारा वीर रस और डी जो हमारा वात्सल्य रस। इसमें बताना है कि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है। तो भूषण की कविता में जो है वात्सल्य रस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वात्सल्य रस पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, किस कविता के पंक्ति से लिया गया है ये, मतलब किस कहानी के कविता, किस कविता से यह पंक्ति ली गई है ये बताना है हमें। तो ऑप्शन हम लोग का अर्धनारीश्वर, बी जो हमारा ओ सदनीरा और सी जो हमारा शिक्षा सिपाही की माँ और डी जो हमारा शिक्षा। इसमें बताना है जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, तो ये जो है शिक्षा पाठ से ली गई है। किससे? शिक्षा पाठ से ली गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या था? तो जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या था ये बताना। ऑप्शन हम लोग का जद कृष्ण मूर्ति, बी जो हमारा जिद्दू कृष्ण मूर्ति और सी जो हमारा जिद्द कृष्ण मूर्ति और डी जो हमारा सज्जद कृष्ण मूर्ति। इसमें बताना है कि जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या था। तो जय कृष्ण का पूरा नाम जो था जिद्दू कृष्ण मूर्ति नाम था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, सूरदास किस भाषा के कवि थे ये बताना है। तो सूरदास, ऑप्शन है हम लोग का संस्कृत, बी जो हमारा ब्रज भाषा और सी जो हमारा अवधि और डी जो हमारा मैथिली। इसमें बताना है कि सूरदास जो है कि किस भाषा के कवि थे। तो सूरदास जो है ब्रज भाषा के कवि थे। किसके थे? ब्रज भाषा के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का पूरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? पूरा क्वेश्चन यहाँ पे, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किससे लिखी है, किसने लिखी है ये बताना है। जो दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र है वो किसने लिखी है ये बताना है। ऑप्शन है हम लोग का ओम प्रकाश वाल्मीकि और बी जो हमारा मल्लेज और सी जो हमारा दिनकर और डी जो हमारा नामवर सिंह। इसमें राइट आंसर बताना है कि दलित साहित्य और सौंदर्य शास्त्र की नामक ये किसने लिखी है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जो लिखा है इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओ सदनीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल हैं? जो सदनीरा उसमें वर्णित मन कैसे ताल हैं? तो ऑप्शन हम लोग का गहरे, जो मेरा छोटे और विशाल और उथले और छिले और गहरे और विशाल। तो इसमें बताना है कि ओ सदनीरा शीर्षक में निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो गहरे और विशाल हो जाएगा। कैसा मन है? तो गहरा है और विशाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का? बड़ा बड़ा क्वेश्चन है जो फिट नहीं हो रहा है, थोड़ा सा इसको जूम करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। किसकी विजय हुई सेना की, नागरिकों की, पंक्ति किस पाठ से है?
ऑप्शन बताया है कि किसकी विजय हुई। ऑप्शन हम लोग का हार जीत, बी जो हमारा अर्थ अधिनायक, सी जो हमारा गांव का घर और डी जो हमारा जनजन का चेहरा है। किसे बताना है कि किसकी विजय हुई, सिपाही की हुई या फिर सेना मतलब सेनाओं की हुई या फिर नागरिकों की हुई। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हार जीत, इसका राइट आंसर है किसका हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि इसमें बताना है कि विजय किसकी हुई, तो हार जीत से ही ये कहानी है ली गई है, मतलब ये पंक्ति ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ कहाँ था, जो मूल निवास स्थान था कहाँ था। ऑप्शन है हम लोग का सागर मध्य प्रदेश, बीच हमारा महासागर मद्रास, और सी जो हमारा हिंद यानी कि हिंद महासागर, और डी जो हमारा वाराणसी उत्तर प्रदेश। में बताना है कि अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ था। तो अशोक वाजपेयी थे उनका मूल निवास जो है सागर मध्य प्रदेश में था। कहाँ था, सागर मध्य प्रदेश में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, कलर्क की मौत शीर्षक कवि कहानी में कलर्क का नाम क्या था, उनका नाम क्या था ये बताना है। ये पुनर्पूर्ति से क्वेश्चन लिया गया है, इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं। ऑप्शन हम लोग का इवान, मित्रिश, चेकोव, और भी जो मेरा है होसेकम है, और सी जो मेरा है फेंकवा, और डी जो मेरा है ब्रोथ। इसमें बताना है हमें कि कलर्क की मौत में जो शीर्षक कहानी में कलर्क है उसका नाम क्या है, उसका जो नाम है वो इवान मित्रिच चेकोव है। क्या ये राइट आंसर ए हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, ईमानदार शब्द का विलोम होगा, तो ईमानदार शब्द का विलोम क्या होगा। ऑप्शन है हम लोग का शरीफ, बी जो हमारा है बेईमान, सी जो हमारा भला मानुस, और डी जो हमारा दुर्जन। इसमें हमें राइट आंसर बताना है कि ईमानदार शब्द का विलोम क्या होगा। तो ईमानदार शब्द का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा बेईमान। क्या होगा, बेईमान इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आवरण, आवरण शब्द का विलोम होगा, तो आवरण शब्द का विलोम क्या होगा ये बताना है। ऑप्शन है हम लोग का ए पर्दा, बी जो मेरा कपड़ा, और सी जो मेरा संचरण, और डी मेरा अनावरण। तो आवरण का बताना है, तो आवरण का क्या हो जाएगा विलोम, तो आवरण का अनावरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनावरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, ऊंच शब्द का विलोम होगा, तो ऊंच शब्द का विलोम क्या होगा। ऑप्शन है हम लोग का प्रमुख, बी जो हमारा है नीच, सी जो हमारा है घोड़, और डी जो हमारा मध्यम। इसमें बताना है कि ऊंच शब्द का विलोम क्या होगा। तो ऊंच का शब्द का जो विलोम हो जाएगा वो नीच हो जाएगा, क्योंकि ऊंच नीच विलोम शब्द एकदम ईजी सा क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, ईजी क्वेश्चन में एग्जाम आता है काफ़ी, बहुत हिंदी में तो ईजी क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर, लेकिन कभी कभी जो है हार्ड भी क्वेश्चन दे देता है बिहार बोर्ड। तो आप लोग को अच्छे से याद करना है और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखते चलना है, ये नहीं सोचना है कि इजी क्वेश्चन आएगा तो नहीं पढ़ते हैं। आप लोग को अच्छे से पढ़ लेना, अगर आप लोग पढ़ेंगे तभी तो लिख पाएंगे ना, और कुछ पढ़ेंगे नहीं तो आप लोग को तो कुछ पता ही नहीं रहेगा। इसी वजह से आप लोग को अच्छे से पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, कठोर, कठोर शब्द का विलोम होगा, तो कठोर शब्द का विलोम क्या होगा। ऑप्शन हम लोग का कुसुम, बी जो मैंने कली, सी जो मैंने मुकुल, और डी जो मैंने कोमल। कठोर का क्या हो जाएगा, तो ये कुसुम तो है फूल का हो जाएगा, कली भी फूल का ही हो जाएगा, और तो कठोर का क्या हो जाएगा विलोम, तो कठोर का जो हो जाएगा कोमल, इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, आलस्य, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है, तो आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा ये बताना है हमें। तो ऑप्शन है हम लोग का आलस, जो हमारा अलस, और सी जो हमारा आलसीपन, और डी जो हमारा आलसी। इसमें बताना है कि आलस शब्द का विशेषण क्या है, तो आलस शब्द का विशेषण जो है आलसी हो जाता है। क्या हो जाता है, आलसी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग बिल्कुल आलसी नहीं बनिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल भी सोना होना नहीं है, मतलब सोना है, टाइम फिक्स कर लीजिएगा, रूटीन बना लीजिएगा, तो उसी के हिसाब से कीजिएगा, और पढ़ाई तो बिल्कुल एकदम आप लोग को करना ही है। अध्यापिका होगा यहाँ पे, अध्यापिका होगा शब्द का उपसर्ग है। इसमें बताना है अध्यापिका शब्द का उपसर्ग क्या है। ऑप्शन है हम लोग का अध हो गया एक्चुअली अधि, सी जो मेरा अभी, और डी जो मेरा अति। इसमें राइट आंसर बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पे अध होगा, अध लिखा हुआ है, लेकिन इस तरीके से अ और ध इस तरीके से होगा, तो इसका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा, इसका उपसर्ग यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सपरिवार, सपरिवार शब्द का उपसर्ग है, तो सपरिवार का उपसर्ग क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं।
ऑप्शन हम लोग का स, बी जो मैंने शहीद, और सी जो मैंने सब, और डी जो मैंने सब परी। तो स सब परिवार का क्या हो जाएगा उत्तर, तो स और परिवार ऐसे। तो ये तो फर्स्ट आ गया, तो ये उपसर्ग तो यही हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का अंकुरित। अंकुरित शब्द में प्रत्यय है, तो अंकुरित शब्द में प्रत्यय क्या है, तो ऑप्शन है हम लोग का अ, बी जो हमारा रित, और सी जो हमारा इत, और डी जो हमारा त। इसमें हमें राइट आंसर बताना है कि अंकुरित शब्द में प्रत्यय क्या है। तो अंकुरित शब्द में जो प्रत्यय है वो क्या हो जाएगा, इत इसका राइट आंसर है। क्या हो जाएगा, इत इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का महिमा। महिमा शब्द में प्रत्यय है, महिमा शब्द में प्रत्यय क्या है ये बताना है। ऑप्शन है हम लोग का महिमा, बी जो अम्मा, और ईमा, और डी जो मेरा आ। इसमें बताना है हमें कि महिमा शब्द का प्रत्यय क्या है। तो महिमा शब्द का जो प्रत्यय हो जाएगा वो ईमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईमा इसका राइट आंसर है, सी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आनंदमय। आनंदमय शब्द में कौन सा समास है बताना है कि इसमें कौन सा समास है। ऑप्शन है हम लोग का तत्पुरुष समास, जो मेरा अव्ययीभाव समास, और सी मेरा कर्मधारय, और डी मेरा द्वंद्व समास। इसमें राइट आंसर बताना है कि आनंदमय में कौन सा समास होगा। तो आनंदमय में जो समास होगा जाएगा वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का नवरत्न। नवरत्न शब्द में कौन सा समास है ये बताना है। ऑप्शन है हम लोग का अव्ययीभाव, बी जो हमारा तत्पुरुष, सी जो हमारा द्विगु, और डी जो हमारा द्वंद्व। इसमें बताना है हमें राइट आंसर कि नवरत्न शब्द का कौन सा समास हो जाएगा। तो नवरत्न शब्द का जो समास हो जाएगा वो द्विगु समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विगु इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का चंद्रमौली। चंद्रमौली शब्द का समास है, इसमें बताना है चंद्रमौली का समास कौन है। ऑप्शन है हम लोग का क्या, चंद्रमौली है ना, हाँ चंद्रमौली है। चंद्रमौली समास हो जाएगा बहुव्रीय। ऑप्शन है हम लोग का तत्पुरुष, सी जो हमारा द्वंद्व, और डी जो हमारा द्विगु। इसमें बताना है हमें कि चंद्रमौली कौन सा समास होगा। चंद्रमौली जो है बहुव्रीय समास है। क्या हो जाएगा, बहुव्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आकाश पताल एक करना मुहावरे का अर्थ है। तो आकाश पताल एक करना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। ऑप्शन है हम लोग का उत्पात करना, बी जो हमारा अत्याचार करना, सी जो हमारा निरंतर अन्याय करना, और डी जो हमारा कठिन परिश्रम करना। इसमें बताना है कि आकाश पताल एक करने मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो आकाश पताल एक करना, इसका अर्थ जो हो जाएगा कठिन परिश्रम करना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कठिन परिश्रम। तो आप लोग को जो है आकाश पताल एक कर देना है और अच्छे से पढ़ाई करना है, यानी ये कठिन परिश्रम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुट्ठी में करना। मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन हम लोग का भ्रम में रखना, बी जो हमारा मनमानी करना, सी जो हमारा वश में करना, और डी जो हमारा वश में ना करना। तो मुट्ठी में करना, मैं उसको अपनी मुट्ठी में कर लूँगी, इस तरीके से कोई बोल सकता है ना मुहावरे। तो यानी कि उसको वश में करना होता है। क्या है, वश में करना को कहते हैं मुट्ठी में करना। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का भक्तमाल। भक्तमाल किसकी रचना है ये बताना है। ऑप्शन है हम लोग का नाभादास, बी जो हमारा सूरदास, और सी जो हमारा तुलसीदास, और डी जो हमारा कबीरदास। इसमें हमें राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या होगा, भक्तमाल किसकी रचना है। भक्तमाल जो रचना है वो हो जाएगी नाभादास की। किसकी हो जाएगी, नाभादास, इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, फिट नहीं हो पा रहा है। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर, नील का पत्थर है आई थिंक, यहाँ पे नील का पत्थर कहानी मानी जाती है। नील होगा यहाँ पे, मील नहीं होगा, नील होगा। नील की कहानी मतलब नील का पत्थर कहानी में मानी जाती है। तो किसे नील का पत्थर माना जाता है। ऑप्शन हम लोग का उसने कहा था, बी जो हमारे पंच परमेश्वर, सी जो हमारे पुरस्कार, और डी जो हमारे मंगल। इसमें बताना है कि किस कहानी का विकास में नील का पत्थर माना गया है, किस कहानी को। तो नील का पत्थर, तो उसे जो कहा उसने कहा था, किसको उसने कहा था, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसी कहानी को जो है नील का पत्थर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। इसमें बताना है कि जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन है। ऑप्शन हम लोग का कामायनी, बी जो मेरा साकेत, सी जो मेरा उर्वशी, और डी जो मेरा मुकुल। इसमें बताना है कि उनका महाकाव्य कौन है। तो जयशंकर प्रसाद का जो महाकाव्य है वो कामायनी है। क्या है, कामायनी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का पुत्र वियोग। पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री कौन है ये बताना है। जो पुत्र वियोग उसमें कवित्री कौन है। ऑप्शन है हम लोग का महादेवी वर्मा, बी जो मेरा जयंती, और सी जो मेरा सुभद्रा कुमारी चौहान, और डी जो मेरा मीराबाई। इसमें बताना है जो पुत्र वियोग शीर्षक है, यानी कि पुत्र वियोग जो कविता है, इसमें कवित्री कौन है, यानी कि इसका लेखक कौन है,
वो जो हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन हो जाएगा? सुभद्रा कुमारी चौहान इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का मालती। मालती किस कहानी की पात्रा है ये बताना है। जो मालती है वो किस कहानी की पात्रा है? ऑप्शन है हम लोग का सिपाही की माँ, बी जो हमारा रोज, और सी जो हमारा है तिरिच, और डी जो हमारा गोरा। इसमें बताना है कि मालती किस कहानी की पात्रा है। तो मालती जो है वो रोज कहानी की पात्रा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानेंद्र पति, जो ज्ञानेंद्र पति हैं उनकी कविता कौन है? उनकी कविता कौन है ये बताना है। ऑप्शन है हम लोग का गांव का घर, बी जो हमारा हार जीत, और सी जो हमारा अधिनायक, और डी जो हमारे प्यारे नन्हे बेटे। इनमें बताना है कि ज्ञानेंद्र पति जो है उनकी कविता कौन सी है। तो ज्ञानेंद्र पति की जो कविता है वो गांव का घर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गांव का घर इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? जो हिंदी साहित्य का सूर्य है उसे किसे कहा जाता है? ऑप्शन हम लोग का सूरदास, बी जो हमारा कबीरदास, और सी जो हमारा तुलसीदास, और डी जो हमारा जायसी। तो हिंदी साहित्य का सूर्य यानी कि सूर्य किसे कहा माना जाता है ये बताना है। तो सूर्य, सूर्य से आप पता कर सकते हैं, सूर्य और सूर दोनों एक सा लगते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर सूरदास हो जाएगा। सूर्य यानी कि सूरदास, ठीक है, अच्छे से आप लोग इसको समझिएगा। सूर्य यानी कि सूरदास इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र है था जो नाभादास उसका उनका नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था कौन सा था? ऑप्शन है हम लोग का नाभादास है ना, हाँ नाभादास है। तो नाभादास का ऑप्शन है हम लोग का हरिद्वार, बी जो हमारे काशी, सी जो हमारे वृंदावन, और डी जो हमारे मथुरा। इसमें बताना है कि नाभादास का कौन सा था। तो उनका नाभादास का जो था वृंदावन था। क्या था? वृंदावन इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ? इसमें बताना है कि उनका जन्म कब हुआ था। ऑप्शन हम लोग का 1904 ईस्वी में, बी जो हमारा 1900 में, और सी जो हमारा 1901 में, और 1899 में। बताना है कि उनका जन्म कब हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म हुआ था वो 1904 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1904 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का मुक्ति बोध का जन्म स्थल है, जो मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहाँ है ये बताना है। ऑप्शन हम लोग का रामगढ़, बी जो हमारा श्योपुर, सी जो हमारा वाराणसी, और डी जो हमारा भोपाल। इसमें बताना है कि मुक्ति बोध का जन्म कहाँ हुआ था। तो मुक्ति बोध का जो जन्म हुआ था वो श्योपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? श्योपुर इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आस्तीन का सांप होना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आस्तीन का सांप होना। आस्तीन का सांप होना का मुहावरिक अर्थ बताना है। ऑप्शन हम लोग का सांप खोजना, बी जो हमारा है शत्रुता करना, सी जो हमारा है दोस्ती करना, और डी जो हमारा घर में छिपा शत्रु। तो आस्तीन का सांप किसको बोलते हैं, यानी कि ये मुहावरा का अर्थ क्या होगा? तो आस्तीन का सांप का मुहावरे का अर्थ जो होगा वो हो जाएगा घर में छिपा हुआ शत्रु, क्योंकि वो आस्तीन में सांप होना, यानी कि घर में छिपा शत्रु होना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन हम लोग का गंदा होना, बी जो हमारा है कीमती होना, सी हमारा तुच्छ होना, और डी जो हमारा सच होना। तो हाथ का मैल होना इसका राइट आंसर जो है तुच्छ होना होगा। क्या होगा? तुच्छ होना इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का माथा टनकना, माथा टनकना का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन है हम लोग का कठिन होना, बी जो हमारा झटका लगाना, सी जो हमारा आकांक्षा होना, और डी जो हमारा चिंता होना। इसमें बताना है कि माथा टनकना का अर्थ क्या होगा, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो माथा टनकने का अर्थ जो होता है आकांक्षा होना। क्या होता है? आकांक्षा होना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का तूती बोलना, तूती बोलने मुहावरे का अर्थ क्या है इसमें ये बताना है। ऑप्शन हम लोग का बदल जाना, बी जो हमारा धाक जमाना, सी जो हमारा दुखी होना, और डी जो हमारा आवाज़ बिगड़ जाना। इसमें बताना है कि तूती बोलना इसका अर्थ क्या होगा ये बताना है हमें। तूती बोलने का अर्थ जो होता है वो होता है धाक जमाना। क्या होता है? धाक जमाना इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन हम लोग का लांछन लगाना, बी जो हमारा है विचलित होना, सी जो हमारा है विपरीत कार्य करना, और डी जो हमारा है रहस्य होना। इसमें बताना है कि उल्टी गंगा बहना का अर्थ क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विपरीत कार्य करना। क्या हो जाएगा? विपरीत कार्य करना इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का रसोई घर, रसोई घर शब्द का कौन सा समास है ये बताना है। जो रसोई घर है कौन सा समास है,
तो ऑप्शन है हम लोग का तत्पुरुष समास, बी जो हमारे कर्मधारय, सी जो हमारे द्वंद्व समास और डी जो हमारे अव्ययीभाव। इसमें बताना है कि रसोई घर कौन सा समास है, तो रसोई घर जो समास है वो तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का? चंद्रशेखर, चंद्रशेखर शब्द कौन सा समास है? चंद्रशेखर में कौन सा समास है ये बताना है। ऑप्शन है हम लोग का बहुव्रीहि, सी बी जो हमारा द्विगु समास और डी जो सी जो हमारा है तत्पुरुष और डी जो हमारा द्वंद्व समास। इसमें बताना है कि जो चंद्रशेखर है वो कौन सा समास है, तो चंद्रशेखर जो है वह बहुव्रीहि समास है। क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का वनमानुष शब्द में कौन सा समास है। इसमें बताना है हमें कि वनमानुष जो है कौन सा समास है। ऑप्शन है हम लोग का, ऑप्शन काफ़ी पीछे रह गया है यहाँ पे, वनमानुष को बताना है। इसमें ऑप्शन है हम लोग का तत्पुरुष, बी जो हमारा है बहुव्रीहि और सी जो हमारा द्विगु और डी जो हमारा द्वंद्व। इसमें बताना है कि वनमानुष कौन सा समास है, तो वो जो है तत्पुरुष समास है। कौन? तत्पुरुष समास। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का त्रिफला, त्रिफला शब्द में कौन सा समास है। तो त्रिफला शब्द में हमें समास बताना है कि कौन सा समास है, तो ऑप्शन है हम लोग का द्विगु, बी जो हमारा तत्पुरुष समास, सी जो हमारा द्वंद्व समास और डी जो हमारा कर्मधारय। तो जैसे कि आपको पता है कि जिसमें भी संख्या, संख्या से आ गया क्वेश्चन, यानी कि संख्या पहले दिख गया, तो उसके लिए जो हम लोग समास चुनते हैं वो द्विगु समास चुनते हैं। क्या? द्विगु। जैसे कि पंचवटी, त्रिपला और बहुत सारे ऐसे होते हैं, चौराहा, ये सब के लिए हम लोग द्विगु समास को चुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का धीरे धीरे शब्द का समास है। तो धीरे धीरे शब्द का समास क्या हो जाएगा ये बताना है हमें। ऑप्शन है हम लोग का अव्ययीभाव, बी जो हमारा द्विगु और सी जो हमारा द्वंद्व समास और डी जो हमारा कर्मधारय। इसमें बताना है कि धीरे धीरे शब्द का कौन सा समास है। तो धीरे धीरे बीच में ये दिख गया डैश, तो इस धीरे धीरे का क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। इसका राइट आंसर है, क्योंकि जब भी बीच में डैश दिखता है तो वो द्वंद्व समास हो जाता है। कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। इसका राइट आंसर है। तो आज का जो क्लास था वो यहीं तक का था। आपको ये क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अच्छा लगा होगा क्लास तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को तो जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और आगे भी मैं इसी तरीके की क्लास लेकर आती रहूँगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।